हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम थ्योरम 1.3.2 प्रूव करने वाले हैं। लेट यू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स के एक्स जाई यू जाई डी जाई बी अ नॉन होमोजीनियस वोलेटाइल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड विद कॉन्स्टेंट ए एंड लैम्डा। एफ एक्स इज अ नॉन जीरो रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन इन द इंटरवल इंटरवल जो है वो ये है ए टू बी एंड के एक्स जाई बी एन नॉन जीरो रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन द रेक्टेंगल आर बराबर आई क्रॉस आई पर इस रेक्टेंगल पे डिफाइन है, जहाँ पे आई आई क्रॉस आई जो है वो है एक्स एंड जाई, और जहाँ पे इन दोनों की वैल्यू एक्स और जाई की वैल्यू जो है ए और बी के बीच में है। एंड के एक्स जाई इज लेस देन इक्वल टू एम, यानी मोड ऑफ के एक्स जाई जो है वो लेस देन इक्वल टू एम यानी कि बाउंडेड है। देन द गिवन इक्वेशन हैज वन एंड ओनली वन कॉन्टीन्यूअस सोल्यूशन यू एक्स इन आई एंड दिस सोल्यूशन इज गिवन बाई द एब्सोल्यूटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज, इस एब्सोल्यूटली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज से दिया जाता है। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में इसको मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन से हम सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे हम मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे फ्रेंड्स हम देख रहे हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। इन दिस मेथड वी सेलेक्ट एनी रियल वैल्यूड फंक्शन से यू जीरो एक्स कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी एज द जीरोथ अप्रोक्सीमेशन। जीरोथ अप्रोक्सीमेशन के लिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द जीरो अप्रोक्सीमेशन इन द गिवन वोलेटाइल इंटीग्रल इक्वेशन, यानी जो भी वोलेटाइल इंटीग्रल इक्वेशन ये गिवन थी, इस इक्वेशन में हमने यू एक्स की जगह फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की फॉर्म में यू जीरो एक्स को पुट कर दिया, तो इससे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन जो कि ये इक्वेशन आ चुकी है। हमारे पास यू वन एक्स यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ चुका है। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए इस यू वन एक्स की वैल्यू फिर से जो वोलेटाइल इंटीग्रल इक्वेशन यानी कि इस इक्वेशन में यू के यू एक्स की जगह पुट करनी है हमें, तो यहाँ पे हमने फिर से यू वन एक्स पुट कर दिया। अब अगर हम यू टू एक्स को इसको ओपन करें तो यू टू एक्स क्या हो गया हमारे पास, एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स और ये के एक्स टी है ही, और साथ में ही जो ये वैल्यू है एफ एक्स प्लस ए टू एक्स वन कर देते हैं इसको, इस बार हम के एक्स वन टी यू जीरो टी डी टी, तो इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स प्लस लेमडा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो लेमडा एफ एक्स सॉरी एक्स का फंक्शन है एफ एक्स, तो ये हमारे पास लेमडा ए टू एक्स के एक्स टी और एफ एक्स, और जो बाहर था हमारे पास क्या था डी टी डी टी प्लस यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास लेमडा स्क्वायर और ये हो गया ए टू एक्स वन एंड सॉरी ए टू एक्स या ए टू एक्स है ये और ए टू एक्स वन, और यहाँ पे हो गया हमारे पास के एक्स टी और के एक्स वन टी और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे यू जीरो टी डी टी वन एंड डी टी, तो ये आ गया हमारे पास। तो यहां से इस तरह से हम यू टू एक्स, इसी तरह से यू थ्री एक्स लिख सकते हैं। बेसिकली यू एन एक्स इस फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो यू एन एक्स को किस तरह से लिखेंगे, ये फॉर्म में, तो इस तरह से हम यू एक्स की सारी वैल्यू दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर यू एन एक्स को यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लिखा है यू एन एक्स बराबर एफ एक्स प्लस लेमडा ए टू एक्स के एक्स टी, सिंपली जहाँ पे हमने जैसे पहले पुट की थी वैल्यू, इसमें यहाँ पे इन्होंने एन माइनस वन की वैल्यू पुट किया, तो एन माइनस वन की वैल्यू क्या जाएगी एफ टी प्लस लेमडा टू टी सॉरी ए टू टी के टी टी वन यू एन माइनस वन टी वन डी टी वन, क्योंकि टी वन के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन हो रहा है और डी टी। उसके बाद फिर से इन्होंने यू एन माइनस टू की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यू एन माइनस टू की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से एफ एक्स प्लस लेमडा, जैसे मैं इसको सीधे फॉरवर्ड वे में जा रहा था
ये बैकवर्ड फॉर्म में लाए, बैकवर्ड फॉर्म में जो हमारी क्वेश्चन बनेगी इसी तरह से ये क्वेश्चन, तो एन टेंस टू इनफिनिटी पे इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगी जैसे हमारी बन रही थी। फर्स्ट फॉर्म ये बने एफ एक्स, सेकेंड लेमडा एक्स टू ए टू एक्स के एक्स टी एफ टी डी टी से, उसके बाद लेमडा स्क्वायर जैसे हमारे यहाँ पे आया था ए टू एक्स, और ए टू एक्स वन ना लिख के उन्होंने यहाँ लिखा है ए टू टी के एक्स टी और के टी टी वन और एफ टी वन डी टी वन डी टी। इस तरह से फिर नेक्स्ट टर्म आएगी लेमडा क्यू, और इस तरह से इसी फॉर्मेट में ये वैल्यू चलती जाएंगी। अब ये हो गया हमारे पास, इस तरह से कौन इस फॉर्म में ये वैल्यू रखती जाएंगी यहाँ से, और ये इस तरह से चलते हुए यहाँ पे लेमडा एन माइनस वन जो एन तो वैल्यू होगी वो इस तरह से होगी, और आर एन एफ एक्स, आर एन एफ एक्स, आर एन एक्स एफ जो कि हमारे पास जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसी तरह से यहाँ पे भी आर एन एक्स जो है वो एन प्लस वन टर्म को डिनोट करता है, जिसकी वैल्यू इस तरह से होगी लेमडा टू द पावर एन ए टू द पावर एक्स, सो ए टू एक्स ए टू टी डॉट डॉट ए टू एन माइनस टू के एक्स टी के टी टी वन के टी एन माइनस टू एन टी एन माइनस वन यू जीरो टी एन माइनस वन डी टी एन माइनस वन डॉट डॉट डी टी वन एंड डी टी। अब सिंस चूंकि यू जीरो एक्स जो है, यू जीरो एक्स को लिया था हमने कॉन्टिन्यूस ऑन आइस, यू जीरो एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस था, तो इस कंडीशन में ये जो है हमारे पास बाउंडेड होगा, तो यू जीरो एक्स जो होगा लेस देन इक्वल टू यू होगा, और साथ में हमारे पास हमने के एक्स टी भी हमारे पास गिवन था कि के एक्स टी मोड ऑफ के एक्स टी जो है वो लेस देन एम है, लेस देन एम है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एन टाइम है, यहाँ पे के एक्स टी वैल्यू फर्स्ट टाइम टू टाइम थ्री टाइम इस तरह से एन टाइम है, तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास आर एन एक्स का अगर मोड निकालेंगे तो ये मोड ऑफ लेमडा एन, इसकी वैल्यू एम एन आ जाएगी जो कि बाहर, क्योंकि इसकी वैल्यू जो लेस देन, क्योंकि ये के एक्स टी लेस देन वन है तो सारों का मल्टीप्लाई जो होगा लेस देन एम टू द पावर एन होगा, तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से जब ये हो चुका है हमारे पास, अब हमारे पास क्या बचा है यू टी जीरो, ये भी कॉन्स्टेंट है तो इसको हमने एज अ कॉन्स्टेंट यू यू ट्रीट किया है, अगर ये यू से कम है तो जैसे आप देख सकते हो। हमने यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा नहीं है बट अगर यू एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस रहता है तो इस इंटरवल में बाउंडेड होगा, तो उसको हमने यू से बाउंडेड दिखा दिया है जो कि यहाँ पे हमने इंडिकेट किया है, यहाँ पे ये यह हो गया। अब हमारे पास जो इंटीग्रेशनल टर्म बची, हमारे पास इंटीग्रेशनल टर्म क्या बची, ए टू एक्स ए टू टी ए टू टी एन माइनस टू और डॉट 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 इस तरह से चलते हुए, ये सॉरी यहाँ से चलते हुए, और ये अंदर क्या बचा डी टी एन माइनस वन डी टी एन माइनस टू और इस तरह से इंटीग्रेशन। तो पहले जब डी टी एन माइनस वन का होगा तो इस तरह से वहां पे आ जाएगा हमारे पास टी एन माइनस वन माइनस ए, और उसके बाद इस तरह से रिपीट करते हुए जाएंगे तो लास्ट टर्म जो आएगी हमारे पास इंटीग्रेशन की वो आ जाएगी हमारे पास एक्स माइनस ए अपॉन एन फैक्टोरियल, बट चूंकि ए की आई जो है वो क्लोज है यानी ए टू बी में क्लोज है तो हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी बी, तो जब इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे बी तो यह आ जाएगा बी माइनस ए, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बी माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। अब ये वैल्यू जो है फ्रेंड्स ट्रीट एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, चेक कर सकते हो कि एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू जीरो की तरफ टेंड्स करेगी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर एन एक्स बराबर जीरो है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर एन एक्स जो है वो जीरो है, तो वाई स्टेस एम टेस्ट से हम यहाँ से कह सकते हैं दस इज एज एन इज इंक्रीजिंग द सिक्वेंस यू एन एक्स अप्रोच टू अ लिमिट वी डिनोट इट्स लिमिट यू एक्स दैट इज यू एक्स बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन एक्स। अब ये हमारे पास एक फंक्शन की फिक्स जो लिमिट आएगी क्योंकि यहाँ से ये कन्वर्जेंस हो गया वाई स्टेस एम टेस्ट से, सो यू एक्स बराबर ये टर्म जो है एफ एक्स प्लस लैम्डा के ए टू एक्स के एक्स टी एफ टी डी टी प्लस ये जो है एज द मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन वी कैन प्रूव दैट द सीरीज टेंस जो है, ये सीरीज टेंस जो है वो एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है एंड हेंस द आरएचएस ऑफ टेन इज डिजायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन वोलेटाइल इंटीग्रल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास यूनिफॉर्मली एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए।